thing. Like what Medica. So like what am I? तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आपने एक क्लिप देखी होगी ना, जब पिछली बार गलवान घाटी में जब हमारे सेना के जवानों के साथ जो हुआ था या उरी हमले में जब हुआ था, तब हुआ क्या था कि ये बार बार बोला गया था, कुछ लोग ऐसे अंधभक्त होते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत ही मंदबुद्धि के जो लोग होते हैं, उन्होंने बोला था कि अगर गले काट गए सेना के या सेना के किसी जवान का गला काट गए या सेना के जवान वहाँ क्या सेना सो रही थी क्या हैं, या वहाँ पर मतलब अगर किसी जवान चाहे CRPF का चाहे BSF का ITBP का या किसी कैंप में जब अटैक होता है या कहीं जगह अटैक होता है तो कुछ ऐसे महानुभव भी होते हैं आप हमारे बीच में जो ऐसा कमेंट करते हैं, क्या फिर सो रहे थे क्या फौजी। तो ये क्लिप देखिए आप, आपने देखिए क्लिप, मतलब बंदा बुरका पहन रखा है, बुरके से निकाल के AK-47 के फायर शुरू कर दिया। मुझे बताओ कि क्या कोई पता कर सकता है, उसका पता कर सकता है बुरके के अंदर क्या है। अरे जब वो निकाला तभी तो पता चला, उसके बाद में उसका इनकाउंटर हो गया है, लेकिन इसका पता चला क्या किसी को? ये वायरल हुआ ओनली CCTV कैमरे की वजह से। आप खुद देखिए, आपने ये वायरल वीडियो भी देखा होगा, नहीं तो एक बार फिर से वापस जाके एक बार देखिए कि किस प्रकार से बंदा आया। वहाँ पर दो पुलिस कर्मचारी है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो राष्ट्रीय राइफल आर्मी के साथ में काम करते हैं, और CRPF की जो स्पेशल टुकड़ियाँ जो QAT होती है उनके साथ में वो काम कर रहे हैं। तो साथ दोस्तों केवल एक मिनट का समय नहीं लगा, आया AK-47 के बर्स्ट मार के चला गया। अब मुझे बताओ कि वो बंदा, उसको पता था कि जो सामने से आ रहा है उसके पास में 47 है। अगर आपके पास में हथियार भी है तो उसको लेके हाथ में लेके फायर करने के लिए कम से कम 10 सेकंड का समय लगता है, कम से कम। वो भी वो बंदा तब कर सकते हो आप जब आप हड़बड़ाओ नहीं, हड़बड़ाने में आपको एक मिनट का समय लग जाएगा ऐसी स्थिति में। अगर आप पहले से पोजीशन लिए हो तो भी हाथ में लेके को करके और फायर करने में कम से कम 10 सेकंड का समय लगता है। एक मतलब परफेक्ट जवान को, जो मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, उसके लिए बार बार उसकी प्रैक्टिस है उसको, तो उसने बंदे ने 10 सेकंड लगाए नहीं, वो को करके राइफल लाया, मार दिए ब्रस्ट। तो ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो बार बार सेना पर जो क्वेश्चन उठाते हैं या किसी भी फोर्स के ऊपर जो क्वेश्चन उठाते हैं, BSF CRPF, जैसे BSF के एक जवान का जब पहले वो सर काटा था तो वहाँ कुछ काफिरों ने तब जब क्वेश्चन उठाए थे कि क्या फिर जवान सो रहे थे, सो नहीं रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से कुछ घटनाएं होती है जिनका सामना कर पाना मुश्किल होता है, उसके बाद में ही पता चलता है, ठीक है। एक बार फायर हो गया वो पता नहीं रहता कि कौन सा दुश्मन है, इस प्रकार से धोखा हो जाता है। और धोखे का कोई फोर्स हो, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, कोई उसका मुकाबला नहीं। आपके पीछे से आगे कोई गर्दन काट गया तो उसका कोई, चाहे कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दगा करके इस प्रकार से फायर हुआ है, ये कश्मीर वैली की है, ठीक है। उसके बाद में उसका एनकाउंटर हो गया, लेकिन अगर वो बुरखे से लाया है, फायर किया है, तो इसलिए जब सेना पे जो लोग सवाल उठाते हैं ना, उनके मैं बताना चाहता हूँ कि पहले एक बार देख लीजिए वास्तविकता क्या है कश्मीर की, ठीक है। फौजियों की जो इज्जत नहीं करते हैं या जो जिनको लगता है कि फौज सो रही है, उनको बता रहा हूँ एक बार, ठीक है। ऐसे पग पग पे गोली का सामना कर रहे हैं, फिर भी कुछ देश के माँ, मैं नहीं बोलूँगा, अपने हिसाब से सोच लो, अपने हिसाब से सबसे गंदी वाली सोच लो, माँ मूर्ख है जिनको लगता है कि फौजी सो रहे हैं। अरे सोना छोड़ो, वहाँ पर खड़ा रहता है ना जो बंदा 12 घंटे में उसकी गर्दन ये 360 डिग्री का एंगल घुमाती रहती है, 180 घूमती है लेकिन 360 घुमाता हो, ठीक है, पीठ भी खाली रहती है। तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन या ऐसी बातें तो मत बोलो जिससे कोई भी फौजी हो, चाहे कोई भी आर्मी मैन, कोई सी भी फोर्स का, चाहे BSF, CRPF, ITBP, किसी भी फोर्स का जवान हो, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, कम से रिस्पेक्ट तो ना करें। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब इनका सामना करने करते हैं ना, तभी फौजियों की अपने देश में इतनी इज्जत है। लेकिन कुछ मां मूर्ख होते हैं ऐसे लोग जिनको फील नहीं होता है, उनके लिए क्लिप है, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है, फिर पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कश्मीर वैली में जवान ड्यूटी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।